हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नव एजुकेटर। स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि सर आप लोग हमें नोट्स नहीं भेज रहे हो, सर आपने हमें अभी तक कुछ भी नहीं बताया, ना कोई टेंस चार्ट भेजा, आपका कोई स्टडी मटेरियल हमको मिल नहीं रहा है, हमने टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिया, हमने व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि नोट्स नहीं है, एक्चुअली हमने सारे नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। आपके जो टेंस चार्ट हैं या ट्रांसलेशन चार्ट हैं या जो भी हमारे पास ट्रिकी चार्ट्स हैं, वो सब हमने प्रिपेयर किए हुए हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये आ रही है कि थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ, इस बिजीनेस के कारण मैं थोड़ा सा टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ। एक्चुअली मैं आपको एक क्लिक में सारे नोट्स भेज दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं एक दिन में ही सारे भेजना चाहूँ, मैं आपको पूरा स्टडी मटेरियल दैट इज कॉल्ड बुक, मैं सभी आपको एक क्लिक में भेज दूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, अगर मैं सब भेज दूंगा तो आप कुछ भी नहीं करोगे, समझ रहे हो। सेकंड थिंग, अगर आप कुछ करो भी तो जिस हिसाब से मैंने वो स्टडी मटेरियल बना रखा है, शायद आप उस हिसाब से उसे ना कर पाओ। हो सकता है कि आप समझ ना पाओ कि किस तरह से, आप हो सकता है रट के चले जाओ, उसे रट लोगे, अरे अच्छा ये वो मजा नहीं आया। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाली है। मैं अपनी वीडियोस में ये नहीं चाहता कि आप मुझे कल कहोगे अरे यार इससे अच्छा कुछ हो सकता था। तो स्टूडेंट्स, ये जो नोट्स है मैं जब ही भेजूँगा, जब मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ कि भाई ये वाला जो नोट्स है ये आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, ऐसे ऐसे उसके बारे में पढ़ना है और ऐसे ऐसे ही वर्क करेगा, समझ में आया। मतलब मैं आपको स्टडी मटेरियल तो भेज दूंगा, लेकिन जब तक अगर मैं ये ना बता पाऊँ कि इसे आपको अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करना है, किस तरह से आप इससे प्रैक्टिस करोगे, जब तक वो यूज़लेस है, समझ में आया। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं अपना पूरा सेशन करता हूँ रिकॉर्ड, और मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें जैसे ही होता है वैसे ही भेजने की कोशिश करूँगा। तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, एक्सप्लेन करना सीखिए कि चीज़ एक्सप्लेन कैसे होती है, ये चेयर को कैसे एक्सप्लेन करूँ, तीन लाइनें बोलिए, चार लाइनें, जितनी लाइनें बनती हैं आपसे वो बोलने की कोशिश कीजिए। नोट्स तो आपको एकदम मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम वही है, जब तक मैं आपको ये ना बता दूँ कि ये नोट ऐसे वर्क करेगा, जब तक आप उसका फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको यूज़लेस मटेरियल नहीं भेजूंगा, मैं आपको यूज़ मटेरियल भेजूंगा जो वेरी यूज़फुल हो, समझ में आया। तो मैं पहले वीडियो बनाऊंगा कि भाई ये वाले जो नोट्स हैं आपको ऐसे ऐसे स्टडी करना है और ये ऐसे ऐसे फंक्शन करते हैं और ऐसे ऐसे होने वाला है, तब तक मैं आपको नोट्स नहीं भेजूंगा। आई एम सॉरी, शायद आपको बुरा लगे इस बात का, लेकिन नोट्स मैं जब भी भेजूंगा जब मैं आपको ये बता पाऊँ कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है। वरना तो लाखों बुक्स हैं। और सेकंड थिंग, अगर आप ये सोचे बैठे हैं कि प्रैक्टिस सेशन में मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, ट्रांसलेशन चलेगा, बोर्ड पे लिख दूंगा, आप ट्रांसलेट कर रहे हो, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये काम इंग्लिश में नहीं होता, ट्रांसलेशन मशीन नहीं बनाना आपको, मैं आपको इंग्लिश सिखाने आया हूँ, मैं आपको ये ट्रांसलेशन मशीन नहीं बनाने आया। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं, वो बोर्ड पर कुछ सेंटेंस लिख देंगे हिंदी में, अब फिर वो उसका ट्रांसलेशन कराएंगे, स्टोरी लिख देंगे ट्रांसलेशन, इससे ट्रांसलेशन आएगा, स्पीकिंग नहीं आएगी। हमें स्पीकिंग सीखनी है, ट्रांसलेशन नहीं सीखना, वो हम क्लास में सीख सकते हैं अपने ग्रामर की, समझ में आया। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए ताकि मैं आप लोगों को वो नोट्स की वीडियो बना के भेजूँ कि ये नोट्स कैसे काम करेंगे, मुझे बहुत सारी वीडियोज़ बनानी है, ठीक है। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ आपका थोड़ा साथ मिले। और दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में आप लिखें कि भाई ये जो वीडियोज़ हैं हमारी, है ना, वो आपको मतलब किस तरह से हेल्पफुल लग रही हैं, क्या मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं, किस लेवल तक हेल्प कर रही हैं, आपने कितना प्रिपेयर कर लिया है अपने आप को, कहाँ तक आपने वीडियोस देख ली हैं, हो सकता है आपने कुछ स्किप करके देखी हो तो कौन कौन सी छूटी हुई है। दोस्तों, कोर्स को शुरू से लेके एंड तक ही देखना तभी सही रहेगा, वरना अगर आप आगे पीछे करेंगे तो फिर वही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्या मेरी वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं, या मुझे कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि मैं वीडियो को और अच्छा कर पाऊँ। मैंने पूरी कोशिश की है, फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाती है। तो आप लोग मुझे बताएं ज़रूर कि किस तरह से हमें और आपको साथ मिलकर चलना है, और इंग्लिश में सबको सिखाना चाहता हूँ, ट्रांसलेशन नहीं सिखाना चाहता, इसलिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मेरे नोट्स बहुत पावरफुल हैं, लेकिन मैं जब ही वो दूंगा आपको, जब मैं ये बता पाऊँ कि आपको नोट्स ऐसे पढ़ने,
तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हालांकि आपको दिख रहा है कि मैंने ये वीडियो बना के डाली है, इसका मतलब ये है कि मैं वर्क कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल पर, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप टाइम रखिए, सब्र रखिए अपने पास। मैं आप लोगों को नोट्स, स्टडी मटेरियल, वीडियो सब अवेलेबल कराऊँ।